हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की एमपी बोर्ड की गणित है, जिसका चैप्टर 3 है, कितने वर्ग, इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यह वीडियो का फोर्थ पार्ट है, 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वाली वीडियो हम पेज नंबर 44 से शुरू करेंगे। तो देखिए क्या दिया है, 5 वर्गों की पहेली। ये 5 वर्ग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने वर्ग हैं, 5, इसकी पहेली है। ठीक है, पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गाकृत कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृति बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। देखिए बच्चों, ये 3 आकृतियां हैं, ये जो कि 5 वर्गों से बनी हुई हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ऐसे ही इसमें आपको जितनी आकृति बनानी है 5 वर्गों से, वह आकृति इसमें बनानी है, बनाओ। तो देखिए बच्चों, एक हमने ये बना ली, एक इधर बना ली, ये बना ली हमने आकृतियाँ। ऐसे लगभग बच्चों हमने यहाँ पे 12 आकृतियाँ बना ली हैं। ठीक है, आप अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन 5 वर्ग होने चाहिए उसमें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, जरूरी नहीं है यही बनाओ, अलग भी बना सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्या दिया है, क नंबर पे दिया है, तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियाँ बना सकते हो, कितनी आकृतियाँ बना सकते हो। तो हमने इसमें कितनी बनाई है, 12 बनाई है, तो यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, आप चाहें तो कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो वो इधर लिख देना। ख नंबर पे है, किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है और कितना लंबा। ठीक है, तो देखिए किसका परिमाप सबसे लंबा है, देखो इसका लग रहा है मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ये वाली आकृति जो है ना, ये इसकी जो लंबाई है चारों तरफ की भुजा की, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, बाकी तो इनकी देखो, इसकी 12 है, इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है और कितना लंबा है, तो हम लिख देंगे 12। कितना लंबा है, 12। ठीक है, किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है और कितना छोटा है। तो चलिए बच्चों, ये बताते हैं हम, ये वाली आकृति का, ठीक है, कितना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो इसका सबसे छोटा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर है इसका। ठीक है, परिमाप। फिर नेक्स्ट है, आकृति का क्षेत्रफल कितना है। तो सबको पता है पूरी आकृति कितने वर्गों की बनी हुई है, 5 वर्गों की बनी हुई है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 5 ही होगा ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। ठीक है, क्योंकि सारी आकृतियाँ 5 वर्गों की बनी हुई है। अब इधर पेज पलटते हैं, क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी आकृतियाँ बना पाए। अब देखिए, ये भी एक, इसमें भी ये आकृतियाँ बनी हुई है ना बच्चों, इस सभी में 5 वर्ग हैं, आप चाहे तो गिन सकते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सभी 5 वर्गों से बनी है, इन सभी 12, और ये टोटल आकृतियाँ 12 हैं, कितनी है, 12। इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि वे एक आयत बनाएं, ये इस प्रकार इनको जोड़ दिया गया है आकृतियों को, कि ये एक आयत बन गया है। क्या बन गया है, आयत। ठीक है, यह 10 × 6 का एक आयत है। ठीक है, 10 × 6 कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इसकी लंबाई जो है वह 10 है और इसकी चौड़ाई जो है वह कितनी है, 6 है, क्योंकि 10 पंक्तियां 6 स्तंभ है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 2000 से ज़्यादा तरीके हैं जिनसे ये आकृतियाँ 10 × 6 का आयत बना सकती है, मतलब ऐसे अलग अलग 2000 तरीके से हम जोड़ेंगे ना इनको, तो यह आकृति बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन 12 आकृतियों को गत्ते पर काटो। अब ये वाली जो आकृति बनाओ और इन्हें गत्ते पर काटो। ठीक है, एक गत्ता यानी कि पुस्ता लो, उस पर आपको काटना है, बनाकर काटना है।
इन 12 आकृतियों को 10x6 का आयत बनाने के लिए किस किस तरह से लगाने की कोशिश करो, क्या तुम ऐसा कर पाए? फिर इन सबको काट के फिर आपको इस तरह से अलग अलग तरीके से इनको जोड़ना है, इनको आकृतियों को, और फिर वापस एक आयत बनाना है। एक और पहेली, इन 12 आकृतियों में से 5x12 का आयत बनाओ। अब इसमें किसका बनाना है? 5x12 का हमें आयत बनाना है, जिसमें भी 1000 से ज़्यादा तरीके हैं। इसमें भी हम 1000 तरीके से ये आकृति बना सकते हैं, यदि तुम एक भी तरीका ढूंढ पाए तो शाबाशी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। खेलने का समय, नीचे शतरंज की बिसात है, ये शतरंज दिया हुआ है, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस पर खेलो। मतलब ऐसे आपको ये जो आकृतियाँ हैं ना, ये जो आपने काटी है, इसको शतरंज पर चिपकाना है, ठीक है? इस तरह से मिला मिला के, और इस तरह से पूरा चिपकाना है कि ये जो शतरंज है वो पूरा आकृतियों से भर जाए, और एक भी डिब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। तो नेक्स्ट देखो क्या दिया है। पहला खिलाड़ी समूह में से एक आकृति को उठाकर, ये जो आकृति दी है हमने, ये पुष्टे पर गट्टे पर काटी है, उसको एक आकृति को उठाकर ये इधर रख दी। अब दूसरा दूसरी आकृति को मिलाकर इधर रख देगा, ठीक है? इस तरह से रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाएं, कि उसमें 5 वर्ग ढक जाएं। दूसरा खिलाड़ी दूसरी आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह पहली आकृति के ऊपर ना आए। मतलब क्या है, जैसे ये आकृति रखा गई ना, इसके ऊपर अब नहीं रखानी चाहिए, इधर भी नहीं रखानी चाहिए, इधर रखा जाए, इधर रखा जाए, इधर रखा जाए, लेकिन इसके और इधर नहीं आनी चाहिए इनके ऊपर, ठीक है? तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक कि तुम में से कोई आगे ना बढ़ पाए। जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा वही विजेता होगा। यह खेल है, ठीक है? अपनी टाइल स्वयं बनाएं। क्या तुम्हें गणित का जादू पुस्तक 4 यानी कि कक्षा 4 की बुक है? पृष्ठ नंबर है 117 से 19, 119 के फर्श के पैटर्न याद हैं? तुम्हें एक ठीक टाइल्स चुनकर उन्हें बार बार लगाते हुए पैटर्न को बनाना था ताकि बीच में जगह न छूटे। जीरी एक दुकान पर गई, वहां फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिजाइन को देखकर हैरान रह गई। कितनी सुंदर है ये डिजाइन, देखिए कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन है ये टाइल्स की। टाइल्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे ना। क्या तुम वह टाइल्स ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सकें? उस टाइल्स पर घेरा लगाओ। पैटर्न को देखकर जीरी अपनी पीली टाइल्स खुद बनाना चाहती है। तुम भी इसी तरह की टाइल्स बना सकते हो, ठीक है? अब ये पैटर्न दिया गया, देखिए इस तरह का इसमें ये पैटर्न है, ये वाला है ना, इसमें ये पैटर्न है इस तरह का, ऐसे इसमें सब में अलग अलग पैटर्न हैं। पहला कदम, एक गत्ते या कागज का टुकड़ा मोड़ लो। ये गत्ते का टुकड़ा लेंगे, उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाओ। अभी इसमें कागज पर एक वर्ग बनाना है इसका। देखो अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3×3 यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये आगे चल के काम में आएगा, इसलिए मैंने आपको इधर पहले बता दिया है। दूसरा कदम, इस वर्ग के किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ। ये बना दिया, कागज का है ये, ठीक है? तीसरा कदम, अब उसी माप का एक त्रिभुज वर्ग की अन्य भुजाओं पर बनाओ। तो इस तरह से ये बना दिया, लेकिन इस बार इसे वर्ग के अंदर की तरफ बना। अब ये तो हमने बाहर बनाया, और ये किधर बनाना है, अंदर। चौथा कदम, अब आकृति के को गत्ते से काट लो, ठीक है? तुम्हारी टाइल्स तैयार है। तो ये देखिए इस तरह से एक ये वर्ग निकल गया बाहर, सॉरी त्रिभुज बाहर निकल गया, और ये वाला त्रिभुज अंदर बन गया। इसको हमने कटिंग कर ली, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो ये टाइल्स तैयार हो गई। इसका क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए बच्चों, अपनी टाइल्स का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ। ये इस टाइल से उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाना है। आकृति को दोहराते हुए एक पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे उनके बीच में खाली जगह नहीं बचे। जीजी ने अपनी टाइल्स से एक पैटर्न बनाया, क्या तुम उस टाइल्स की क्षेत्रफल जानते हो? चलो बताओ उसकी टाइल्स, उसकी बताओ उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है। देखिए कितनी टाइल्स है, ये 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा ये इस टाइप से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
एक स्टाइल्स का पैटर्न ये है बच्चों, ठीक है, ये इसका पैटर्न है, ये एक तो ये है, ये ऐसे पैटर्न है इसका। तो ये कितने होगा, एक दो तीन, तीन भाग तो ये होगा। अब ये टाइल से ये लगी हुई है, ये देखो ये अच्छे से उभर के आ गई। कितनी टाइल्स हैं, एक दो तीन चार, ऐसे ये पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो कितनी टाइल्स का उपयोग किया गया है, 12 टाइल्स का, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बना दिया है, बाकी आप ऐसे मत करना। जीरी द्वारा बनाए गए फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है। अब ये देखिए हमारे कितना निकला था, इधर कितना निकला था, वर्ग का क्षेत्रफल 9, ठीक है। तो 12 में हम 9 का गुणा कर देंगे, 12 में 9 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 108 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इस टाइल्स का पैटर्न का क्षेत्रफल कितना आ गया, देखो ऐसे एक दो तीन, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 108 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है अभ्यास का समय। जीजी ने कुछ और टाइल्स बनाने की कोशिश की, इसने उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर नीचे दी गई आकृति बनाई। इसमें वर्ग कितना है, सब में 2 सेंटीमीटर है, इस तरह से, ठीक है। इन्हें ध्यान से देखो और पता लगाओ। बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल्स करेगी। यानी कि देखो अगर ये वाली हम लेते हैं सी ओ डी, तो ये जो खाली जगह ये इसको भर देगी, है ना, और इसमें जो खाली जगह वो ये इसको भर देगी, ठीक है। इन आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, ये 2 सेंटीमीटर इनकी भुजा है, 2 इसका 2 इसका, तो 2 × 4 यानी कि 4 वर्ग सेंटीमीटर। इन आकृति का क्षेत्रफल कितना है, सबकी भुजाएं 2 2 हैं, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इन आकृतियों से टाइल्स करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिजाइन बनाओ। तो ये आपको सेम बनाना है। अब एक वर्ग में से तुम अपनी नई नई टाइल्स बनाओ, क्या यही त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है, कोशिश करके देखो। तो ये भी बच्चों आपको सेम करना है, नई नई टाइल्स सेम बनानी है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।